साल 1296 ईस्वी, दिल्ली की सत्ता पर खिलजी वंश का परचम लहरा रहा था, जिसकी सत्ता पर अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत कायम हो चुकी थी। अलाउद्दीन विस्तारवादी नीति का बादशाह था। उसका स्वप्न संपूर्ण भारत में खिलजी वंश की हुकूमत कायम करने का था। इसी के तहत अलाउद्दीन आए दिन भारत के किसी न किसी रियासती ठिकाने पर अपनी सेनाएं लाकर खड़ी कर देता। राजपुताने सहित भारत की बड़ी बड़ी रियासतों पर इस समय खिलजी वंश का ध्वज लहर चुका था, सिवाय मेवाड़ के। इस वक्त चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह की हुकूमत हुआ करती थी, जिनकी पटरानी थी राजमाता पद्मावती। अलाउद्दीन की सत्ता को धिक्कारने वाला एक स्वतंत्र राजपूत राज्य अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और अपने इस विशाल लश्कर को लेकर निकल पड़ा चित्तौड़ को जीतने। ये साल था 1303 ईस्वी। अपने विशाल मुस्लिम लश्कर के साथ सुबह का सूरज चढ़ते ही अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले को अगले 8 महीनों तक घेरे रखा। एक सिंह के शिकार के लिए हजारों बिलाव मैदान में उतर आए थे। इधर रावल रतन सिंह स्थिति को भांपते हुए मेवाड़ के समस्त सामंत सरदारों और आसपास के ठिकानों के ठाकुरों को चित्तौड़ की रक्षा के लिए रण में उतरने के लिए पत्र भेजे। पत्र पाते ही मेवाड़ के आसपास के ठाकुरों ने अपनी सेनाओं के साथ चित्तौड़ की तरफ कूच कर दिया। हर हर महादेव और जय मां भवानी की ललकारों के साथ चित्तौड़ की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही इस सेना को सिसोदे गांव के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी नेतृत्व दे रहे थे, जो कि अपने 7 पुत्रों के साथ रण में तांडव मचाने आ रहे थे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी बप्पा रावल के वंशज तथा रावल रतन सिंह जी के दूर के रिश्तेदार थे। रात्रि के घोर अंधकार में लक्ष्मण सिंह जी अपने समस्त सहयोगियों के साथ चित्तौड़ के किले में प्रवेश कर गए। किले के भीतर रावल रतन सिंह युद्ध की रणनीति बना रहे थे। उनका कहना था कि भोर होते ही सभी राजपूत केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु खेमे पर टूट पड़ेंगे। इधर माता पद्मावती ने आसपास के समस्त गांवों की क्षत्राणियों के साथ जौहर की अग्नि तैयार की। उनकी शपथ थी कि युद्ध से उनके रावल की वीरगति का समाचार पाते ही वे अपने शरीर को जौहर की अग्नि को समर्पित कर देगी। इन्हीं तैयारियों में सुबह का सूरज चढ़ने लगा। 26 अगस्त सन 1303 की सुबह भयंकर बरसात के बीच राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण किए। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि मर जाओ या मार डालो। चित्तौड़ के किले के ध्वज केसरी से युद्ध के शंख फूंक दिए गए। इसी शंखनाद के साथ मात्र थोड़े से राजपूत खिलजी की समुद्र से विशाल सेनाओं पर टूट पड़े। किले के भीतर महिलाओं ने देवताओं को याद करते हुए जोहर कुंड में पहली अग्नि रखी। इधर रणभूमि में मौत का तांडव चल रहा था। कई राजपूत योद्धाओं ने अपने मान सम्मान और अपनी धरती की लाज बचाने के लिए कई विधर्मियों की लाशें बिछा दी। ये वो समय था जब राजपूतों के लिए जान सस्ती और इज्जत महंगी हो गई थी। मरना कबूल था पर झुकना नहीं। रावल रतन सिंह सहित ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने अपनी सेनाओं के साथ दुश्मन की सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। अलाउद्दीन दूर पहाड़ी पर बैठा युद्ध का नजारा देख रहा था। उसने अपनी सेना को पत्थर मारने के आदेश दिए। इस आदेश के बाद दुश्मनों ने राजपूतों पर पत्थरों की बरसात कर दी। लगभग दोपहर में सूरज की पहली किरण के साथ ही रावल रतन सिंह युद्ध भूमि में वीरगति पा चुके थे। उनके साथ हजारों राजपूत योद्धा रणभूमि में तांडव मचाते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे। इधर अपने रावल की वीरगति के समाचार पाते ही माता पद्मिनी ने 16,000 क्षत्राणियों के साथ जौहर कुंड की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मां भवानी की गरज और अग्नि की तेज लपटों के बीच 16,000 माओं ने अपने आप को अमर कर दिया। इस दृश्य का हाल कुछ यूं समझिए। सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं बोलने लगी जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। अब तक रण में रजपूती तांडव आपने देखा,
लेकिन नहीं बुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं बुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं बुलाया जा सकता उन 16,000 माओं को, नहीं बुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं बुलाई जा सकती वो गर्भवती युद्धानी, नहीं बुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। अलाउद्दीन ने जीत के बाद चित्तौड़ के किले में प्रवेश किया। चित्तौड़ जलकर भस्म हो गया। चित्तौड़ पर खिलजी वंश की मुस्लिम सत्ता कायम हो गई। इस युद्ध के तुरंत बाद अलाउद्दीन ने 30,000 मेवाड़ी जनता का कत्लेआम कर दिया। मेवाड़ की जनता के धन धान और परिवार की इज्जत को बेआबरू कर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की सत्ता अपने 7 साल के बेटे खिजर खान को सौंप दी और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। परंतु क्या बप्पा रावल का संपूर्ण वंश समाप्त हो गया? अब कौन होगा वो महावीर जो अपनी ताकत के दम पर मेवाड़ पर फिर से केसरिया ध्वज लहराएगा? कौन होगा वो सपूत जो मेवाड़ी धरा पर एक बार फिर हिंदू राज कायम करेगा? इस काल में मेवाड़ में वो हुआ जिसने संपूर्ण राजपुताने की सियासत को पलट कर रख दिया। मेवाड़ में वो जन्मा जिसने न सिर्फ मेवाड़ बल्कि संपूर्ण राजपुताने में हिंदू हुकूमत कायम की। आइए इतिहास की किताबों से मिटाए जा चुके मेवाड़ के उस अनसुने इतिहास से आपको परिचित करवाते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़ के युद्ध में रावल रतन सिंह के रिश्तेदार सिसोदे गांव के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी अपने 7 बेटों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आए थे, जो बप्पा रावल के सीधे वंशज थे। विदर्मी सेना से लड़ते हुए वे स्वयं और उनके 6 बेटे तो शहीद हो गए, परंतु एक बेटा अजय सिंह युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। अजय सिंह कई सालों तक जंगलों में भटकते रहे। चित्तौड़ी युद्ध ने उनके हाथ पांव को बेकार कर दिया था। इन्हीं दिनों चित्तौड़ में मुंजा बलेचा नामक एक डकैत ने हमला किया। उसने धीरे धीरे मेवाड़ में डकैतियां करनी शुरू कर दी। मुंजा पर सुल्तान अलाउद्दीन का हाथ था, इस कारण वो पूरी आजादी के साथ चित्तौड़ में लूटपाट मचा सकता था। भय से चित्तौड़ी जनता त्राही त्राही कर रही थी। एक रात मुंजा ने पहाड़ी पर बसे चित्तौड़ियों के घरों को लूटा और जंगल के रास्ते अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में एक 10 साल के लड़के ने मुंजा बलेचा को रोका और उसे द्वंद युद्ध की चुनौती दी। मुंजा इस छोटे से बालक की ललकार को सुन पहले तो जोर जोर से हंसा, पर फिर भी उसने बालक से युद्ध किया। इस युद्ध में उस 10 साल के लड़के ने मुंजा के सर को धड़ से अलग कर दिया। यह पूरा दृश्य अजय सिंह जी देख रहे थे। वे तुरंत उस बालक की तरफ दौड़े और उससे पूछा, हे क्षत्रिय गुणों वाले वीरवर, तुम्हारा क्या परिचय है? उस बालक का जवाब था, बप्पा के वंश से ताल्लुक रखने वाले इस सूर्यवंशी को हमीर कहते हैं। कौन था ये बालक? ये बालक कोई और नहीं बल्कि विषम घाटी पंचानन राणा हमीर सिंह सिसोदिया थे, जो सिसोदे ठिकाने के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के पोते और बप्पा रावल के प्रत्यक्ष वंशज थे। इनकी माता ने चित्तौड़ युद्ध में अपने पति की वीरगति की खबर सुन जौहर कर लिया था। उस वक्त हमीर सिर्फ 2 वर्ष के थे, अर्थात हमीर बचपन में ही अनाथ हो गए थे। हमीर को देख अजय सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी जीवित है। उन्होंने हमीर को कस के गले लगाया और कहा, हे बप्पा के कुल के दीपक, मैं तुम्हारा चाचा हूं। जिसके तुरंत बाद अजय सिंह हमीर को केलवड़ा के पर्वतों पर ले गए। अगले 10 सालों तक अजय सिंह ने मुस्लिम सत्ता से छुपकर हमीर को युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। उन्हें गोरिल्ला युद्ध नीति का महारथी बनाया गया। हमीर रात दिन युद्ध कलाओं का अभ्यास कर करके सोना बन रहा था। और इधर मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिजर खान चित्तौड़ किले को छोड़कर वापस दिल्ली चला गया, क्योंकि शासन करे तो करे किस पर, मेवाड़ में तो जनता ही नहीं थी। अलाउद्दीन ने तुरंत मेवाड़ की सत्ता अपने एक सेवक मालदेव सोनगरा को दे दी। और यही साल था जब हमीर सिंह बड़ा हुआ।
ठाकुर अजय सिंह ने इसी समय हमीर का राज तिलक करते हुए उन्हें मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। ये खबर संपूर्ण मेवाड़ियों के बीच आग की तरह फैल गई कि मेवाड़ के असली उत्तराधिकारी जीवित हैं। समस्त राज्य की जनता, सामंत सरदारों ने केलवाड़ा के पर्वतों पर पहुंचना शुरू कर दिया। भील सरदार अपनी सेनाओं के साथ हमीर की रक्षा के लिए पर्वतों पर चढ़ाई। मेवाड़ी जनता ने इन्हीं पर्वतों पर हमीर का दरबार लगा दिया। भीलों ने अपने राजन से युद्ध का आदेश मांगा। राजपूत सामंत और सरदारों ने हमीर को वो काल याद करवाया जब हजारों राजपूत और मेवाड़ी जनता को खिलजियों द्वारा किस कदर मारा गया। इन सब बातों से हमीर गुस्से की आग में तप उठे। उन्होंने अपने समस्त सरदारों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। साल 1326 इतिहास में वह तारीख दर्ज हुई जब राणा हमीर ने अपनी प्रचंड सेनाओं के साथ मेवाड़ के किले की तरफ कूच कर दिया। हमीर की सेनाओं ने मेवाड़ के एक एक शत्रु को चुन चुन कर मारा। खिलजी का सेवक मालदेव हमीर के आक्रमण से डर कर दिल्ली भाग गया, परंतु उसके पुत्र जय सिंह को हमीर ने कैद कर लिया। साल 1326 ईस्वी में हमीर सिंह सिसोदिया ने चित्तौड़ को फिर से आजाद करवाकर चित्तौड़ किले पर एक बार फिर केसरिया ध्वज तनवा दिया। हमीर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मेवाड़ के आसपास के 80 ठिकानों को मुस्लिमों से आजाद करवा लिया। धमाधम धावों के साथ हमीर संपूर्ण राजपुताने की आजादी चाहते थे। उन्होंने संपूर्ण राजपुताने में स्वराज का अभियान चलाया। हमीर की इस बढ़ती ताकत ने दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भी हिला कर रख दिया। तुगलक ने हमीर को रोकने के लिए अपने विशाल लश्कर के साथ चित्तौड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। साल 1336 में तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपने विशाल लश्कर के साथ दिल्ली से रवाना हुआ। 3 महीने के लंबे सफर के बाद तुगलक सिंगोली नामक एक गांव में पहुंचा। भयंकर बारिश और घोर रात्रि के कारण तुगलक ने इसी गांव में अपनी सेना का डेरा जमा दिया। इधर राणा हमीर सिंह सिसोदिया को भली प्रकार से पता था कि दिल्ली का सुल्तान मेवाड़ पर चढ़ाई जरूर करेगा, और आज वो दिन आ ही गया। राणा हमीर तो कब से दिल्ली के सुल्तान से मेवाड़ की गुलामी का बदला लेने के लिए उसे रण में अपने सामने आने के लिए उकसा रहे थे। हमीर बड़ा चालाक और चौकन्ना योद्धा था। वो विषम परिस्थितियों में भी सिंह के समान हमला करता था। राणा हमीर सिंह तुगलक को एक भी मौका देना नहीं चाहते थे। तुगलक मेवाड़ की घेराबंदी करे उससे पहले ही राणा हमीर ने तुरंत सेना तैयार करते हुए मेवाड़ की तरफ बढ़ रही तुगलक की सेना पर गुरिल्ला युद्ध नीति से घनघोर प्रहार किया। सिंगोली के मैदानों में राणा हमीर ने मुट्ठी भर राजपूतों और भीलों के साथ मिलकर घोर रात्रि में तुगलक सुल्तान की शाही सेना पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि शाही सेना के परखच्चे उड़ गए। रात्रि के अंधेरे में तुगलक की सेना आपस में ही लड़कर कट मरी। सुबह होते होते हमीर ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के गले में जंजीर डालकर अपने घोड़े के पीछे बांध दिया। उसे पैदल सिंगोली के मैदान से मेवाड़ लाकर 6 महीनों के लिए कैद कर दिया गया। बाद में 50 लाख रुपए, 1000 हाथी और संपूर्ण राजपुताने की आजादी की शर्त पर दिल्ली के तुगलक सुल्तान को कैद से आजाद कर दिया गया। 6 महीनों तक दिल्ली का सिंहासन बिना किसी सुल्तान या बादशाह के पड़ा रहा, पर हमीर ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा नहीं किया। राणा हमीर सिंह सिसोदिया अगर चाहते तो दिल्ली की सत्ता पर मेवाड़ के सूर्य वंश की हुकूमत कायम हो सकती थी, परंतु उन्होंने शत्रु के राज्य पर कभी कब्जा नहीं किया, क्योंकि उस समय दिल्ली संपूर्ण भारत की राजनीति का केंद्र नहीं था। ये वो काल था जब जिसके भुजाओं में ताकत थी वही भारत की केंद्र शक्ति बन जाता था, जो कि इस वक्त राणा हमीर सिंह सिसोदिया थे। हमीर के जीवित रहते दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने पुनः मेवाड़ या किसी भी हिंदू रियासत में कदम रखने का साहस नहीं किया। 74 साल की उम्र में राणा हमीर सिंह ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। हमीर सिंह सिसोदिया के काल में मेवाड़ सहित संपूर्ण राजपुताना एक बार फिर हिंदू राज्य बना। जब हमीर सिंह सिसोदिया को मेवाड़ का राजा घोषित किया गया तब हमीर के चचेरे भाई सज्जन सिंह जी मेवाड़ छोड़कर महाराष्ट्र चले गए।
सज्जन सिंह जी ने महाराष्ट्र में एक नए राजवंश की स्थापना की। राणा हमीर सिंह के काल में ही दक्षिण भारत में भी एक ताकतवर हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। हमीर के राज्याभिषेक के साथ ही मेवाड़ में राणा शाखा की स्थापना हुई। हमीर के वंशजों में राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे कई बाहुबली योद्धाओं ने जन्म लिया। भारत के इतिहास की पुस्तकों में हमीर सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमने इस वीडियो को बनाने में मेहनत की। अब आपका कर्तव्य है कि हर भारतीय के फोन में इस वीडियो को पहुंचाया जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।